अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम पुणे। हम लोग इस वक्त हैं एएस गोट फार्म पे। मैं आपको इस वीडियो में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन दूंगा, हम लोग बात करेंगे अखिल भाई से जो फार्म चलाते हैं बेसिकली, एंड हम इसके बाद में एक पूरा सीरीज़ बनाएंगे। सो प्लीज़ डू वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ एएस गोट फार्म इन पुणे। अस्सलाम वालेकुम अखिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा, मैं सेकंड टाइम आया आपके फार्म पे। काफ़ी अच्छे बकरे आपने इस बार लाए हैं। सो कौन कौन सी नस्ल के बकरे रखे हैं आपने अभी? अभी आसिम भाई अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह लगभग अच्छे ही हैं ब्रीड, जैसे नागफनी, तोतापरी, कोठा, बोर, सोजर, अच्छा बतेरा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मिक्स ऑफ गोट्स है। मिक्स ऑफ गोट्स है। ठीक है। सो ये हम लोग देख रहे हैं, ये क्या क्या उम्र के होंगे ये बकरे? ये अभी तो सब 8-9 महीने के हैं और सब अदंती हैं। और सारे अंडुल बकरे हैं? सारे अंडुल बकरे हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था, पूना में ज़्यादा अंडुल प्रेफर करते लोग जी, खस्सी का इतना डिमांड नहीं है। जी इतना डिमांड नहीं है खस्सी का, अंडुल थोड़ा मस्ती चाहिए ना लोगों को। अच्छा, वो हिसाब से अंडुल सेल आउट होते हैं। और आप पूना के बाहर भी बकरे बेचते हैं राइट? जी, ट्रेन में भेज देते हैं। जी, ट्रेन में ऑल ओवर इंडिया जहाँ तक ट्रेन जाती है। ठीक है। सो हम लोग है ना कुछ बकरे देख लेते हैं आपके, एंड देन आपके पास ये ट्रेडिंग जो है गोट्स की, ये ऑल ओवर द ईयर चलती रहती है? ऑल ओवर द ईयर चलती है। अगर किसी का कुछ रिक्वायरमेंट है तो आपसे बुक भी कर सकते हैं? हाँ, बेशक कर सकते हैं। ज़्यादातर वैसे कौन सी नस्ल में आप काम करते हैं, मीन्स आपका हाथ एकदम कौन से ब्रीड पे ज़्यादा है? कोटा ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रेन चल रहा है इसके लिए हम लोग कोटा ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, मतलब वो तो पूना के हिसाब से? पूना के हिसाब से। लेकिन अगर कोई आपको ऑर्डर देना चाहे तोतापुरी? हाँ, इस पर ऑर्डर हम लोग करते हैं उनका रिक्वायरमेंट पूरा। ठीक है। सो हम लोग कुछ बकरे भी देख लेते हैं स्लॉट में से भी। सो सबसे पहले यही देखते हैं, काफ़ी एग्रेसिव है बकरा, कौन सी ब्रीड में भाई है? ये तो नागफनी बोलकर लिया था मैं जी। ये अदंत है ना? अभी ये अदंत है। बारीक दांत, बारीक दांत है अभी। 34 हाइट है इसका जी। वेट रहेगा एक 35 से 40 केजी जी। और काफी अग्रेसिव है, इसको छोड़ेंगे तो डायरेक्ट मारना ही पड़ेगा। दूसरे देख लेते हैं कुछ कोटा बकरे। कोटा भी वो दूसरे केज में है, इसमें है ये दो कोटा, लेकिन इनकी हाइट नहीं बढ़ने वाली ज़्यादा। ये भी अदंत है, शॉर्ट हाइट कोटा है, बहुत रेयर आता है शॉर्ट हाइट। फिर ये सेकंड देखेंगे नागफनी है, ये माशाल्लाह अच्छी हाइट की है, 36 है इसकी हाइट जी। वेट होगा 40-45 केजी और ये भी अभी अदंत ही है। सब बारीक दांत में, एकदम बारीक दांत, ये अच्छा ग्रोथ पकड़ेगा। वैसे ये जो बकरे हैं ये वाले लॉट में, ऑन एवरेज इनका प्राइस क्या रखा है आपने? ये ऑन एवरेज इनका प्राइस 14,000 से 18,000 तक है। 14 से 18,000 के बकरे मिल जाएंगे। अगर किसी को वेट से चाहिए तो भी बाई कर सकते हैं? बाय वेट ही हम लोग का है मेजर, लेकिन किसी को लॉट में चाहिए तो ये रेट में मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अगर कोई ऐसा नग पे ले रहा है तो वो वेट पे ही जाएगा। ओके, हम लोग बाद में वीडियो में आपके फीट के बारे में वो सब भी बात कर लेंगे, पर बेसिकली पूना से कितना दूर है अपना फार्म? पूना से 25 किलोमीटर। अच्छा, मेन पूना सिटी से 25 किलोमीटर। और ये एरिया का नाम क्या है? ये सासवड़ में आता है। सासवड़, मेन सासवड़ में है और ये जिधर अपना फार्म है उसको खानवाड़ी बोलते हैं। खानवाड़ी जी। ठीक है। एंड क्योंकि आपको कितने साल हो गए यहाँ पर फार्म चलाते हुए? मेरे को 1.5 साल ही हो गया है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो बकरे यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं पूना या ऐसे एटमोसफियर में? हो जाते हैं एटमोसफियर में, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है सेट करने के लिए। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 महीना तो आराम से जाता है सेट करने। 1 से 1.5 महीना चले जाता है। ठीक है। और ये बकरे लाए हुए कितने दिन हो गए आपको? इनको ला के हमको 4 महीने हो गए। 4 महीने, तो ये एडजस्ट हो चुके हैं? ये हो चुके हैं। वैसे तो मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर आप भी एक बार बता दीजिए प्लीज़ आपका नंबर। 87 9302133।
ठीक है, सो हम एड्रेस भी डाल देंगे ताकि लोगों को आसानी हो। कुछ एक टाइम है यहाँ पर आने का, या डे है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वीकडेज कभी भी आ सकते हैं। अच्छा कभी भी आ सकते हैं, आपको बस फोन करके आ सकते हैं। ठीक है, सो पर मैं तो नहीं मिलूंगा, आयान मिलेगा और अब्रार है मेरा भाई, वो मिलते हैं। आयान मिलेंगे या फिर अब्रार भाई? आप कभी रहते हैं सैटरडे संडे? सैटरडे संडे रहता हूँ। ठीक है, बाकी टाइम जॉब जी। ठीक है, सो फ्रेंड्स एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जो हमने देखा। आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, फीट के रिलेटेड बात करेंगे। आपने ये लॉट में अराउंड 6 बकरे देखे जो कोटा नागफनी के मिक्स बकरे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।